हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखंड स्थित झापा पंचायत की मुखिया श्रीमती पूर्णिमा देवी ने लगातार अपने पंचायत के विकास के लिए हर क्षेत्र में अपने अहम भूमिका निभाई है। अगर मैं बात करूं तो लगातार झारखंड में कई मुखियाओं के ऊपर आरोप लगते आ रहे हैं कि 14 में वित्तीय वर्ष में मुखिया के द्वारा हर तरह की गड़बड़ी की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ झापा पंचायत मुखिया पूर्णिमा देवी ने अपने हर मिले हुए फंड को अपने क्षेत्र में विकास के लिए टोटल फंड की पैसे को विकास के लिए गंगा बहाते नजर आ रहे हैं। जी मैं बात कर रही हूँ झापा पंचायत मुखिया पूर्णिमा देवी की, जो आज छठ से पहले अपने छठ के बाद लगातार ठंड बढ़ते जा रही है उसको देखते हुए ये मुखिया द्वारा कंबल वितरण किया गया। कंबल वितरण करने के दौरान बूढ़े बुजुर्गों को एवं ग्रामीण क्षेत्र कंबल वितरण करने के दौरान बूढ़े बुजुर्गों को और ग्रामीण को कंबल मिलने से खुश नजर आ रहे हैं। यह जो कंबल वितरण कार्यक्रम चल रहा है, झारखंड सरकार के द्वारा पंचायत में कुल 168 कंबल प्राप्त हुआ है और वो कंबल सभी गरीब गुरुओं को देना है। इसमें हम सभी वार्ड सदस्यों से सहमति ले लिए हैं, सबसे नाम मंगवा लिए हैं और सभी गांव में ये कंबल हमको गरीब गुरुओं को भिजवा देना है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कुछ और कंबल खरीद करके, जैसे पिछले साल भी मैंने दिया था, इस बार भी देंगे। हमारा प्रयास है कि कोई गरीब गुरुआ को दिक्कत जाड़ा में नहीं हो, इसलिए कंबल हर गरीब गुरुआ तक पहुंचे, ये मेरा प्रयास है। आप लोग को कंबल दिया जा रहा है, कैसे आप लोग अनुभव कर रहे हैं इस ठंडा में? बहुत अच्छा है, कंबल गरीब लोग को मिल रहा है मुखिया जी की तरफ से, हम लोग को बहुत अच्छा है। आप लोग को कितना सहयोग मिलता है मुखिया जी से? जो राशि आता है सभी सहयोग मिलता है जी। कंबल दिए हैं? हाँ मुखिया जी कंबल दिए हैं। ठंडा में ओढ़िएगा या रख दीजिएगा? रख देंगे, का ओढ़ने खातिर मिला है। चौपारण से मुकेश राणा की रिपोर्ट।